नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल ठाकुर है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये मेरे पास है लैमिनेशन मशीन की वीडियो है जो कि वर्क नहीं कर रही। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इसमें रिपेयरिंग क्या क्या फॉल्ट आते हैं और कैसे कैसे रिपेयर होती है मशीन। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मशीन कहाँ से खुलती है, पहले तो चेक करूंगा मशीन को। पहले इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आपकी कैश काउंटिंग मशीन की वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर एक बार लैमिनेशन मशीन की वीडियो बना के बताओ आप, और कैसे रिपेयर होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो कैसे रिपेयर कर सकते हैं हम घर बैठ के। तो अभी चलते हैं, देखिए अभी क्या ये मशीन इंडिकेटर तो आ रहे हैं, पावर की लाइट आ रही है, रेडी की लाइट है, रेडी की लाइट आ रही है। देखिए ये देखिए तो जब रेडी की लाइट आती है, देखिए पूरा बंद कर देंगे तो बंद करने के रेडी की लाइट नहीं है, रेडी की लाइट आएगी तो मदरबोर्ड में कोई दिक्कत होती है। तो अभी मैं बताने खोल के बताऊंगा कि कैसे क्या चीज क्या फॉल्ट है इसके अंदर। तो अभी इसको हम निकालते हैं प्लग, ये साइडों में नट लगे होते हैं, किसी मशीन में नीचे लगे होते हैं। ये देखिए अब इसको उठाना होगा, कॉबल को उठा के हल्का सा ऐसे करना है इसके अंदर ना। चलो मैं यहीं से खोल देता हूँ, यहां भी खोल देता हूँ। इसका जो है ये निकाल दिया हमने, इसके अंदर कनेक्टर लगे होते हैं इसलिए मैंने यहां से निकाल दिया आपको, या आप इसको ओपन करके इसे कनेक्टर निकाल सकते हो। मैंने कनेक्टर निकाले, अब क्या करना है आपको चेक करना है। ये देखिए हमारे जो रोलर है वर्क कर रहे हैं, और सबसे पहले क्या होता है यहाँ हीटर होते हैं, ये देखिए ये रॉड लगी होगी। ये खुल जाती है रोड, यहां से खुल जाती है, मैं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कहीं डैमेज तो नहीं, टूटी तो नहीं है ये। ये देखिए एकदम ओके है, नीचे भी ओके है, अगर खोलना चाहते हो तो यहां से खुल जाएगी। चलो मैं खोल के दिखा देता हूं आपको, कभी भी काम करना तो बंद करके करिए। ये देखिए ये होती है रॉड, या डैमेज हो जाती है या ब्रेकेबल अंदर इसकी वायर होती है वो खराब हो जाती है। ये लगी है एक नीचे लगी होगी, ठीक है, ये तो हमारी ओके है, नीचे वाली भी ओके है। तो इसमें वापस लगा देता हूँ, ये तो आपको दिखाने के लिए कैसे कैसे चेक कर सकते हैं इसको। ये लगा दिया हमने, दूसरा लगा लेते हैं। एक और तरीका होता लगाने का इसका,
स्लिप कर रहा है इसका बार बार। चलो लग गया ये बार। स्लिप क्यों कर रहा है इसका? उसी का है और क्या है? नेट तो उसी का ही है। यहाँ से रोलर निकाल सकते हो आप, अगर नहीं लग रहा है तो। मैंने साइड कर दिया, अब आराम से लग जाएगा ये। ये देखिए ये तो मैं ऐसे जी ये लगा दिए मैंने। अब क्या है कि अब सबसे पहले है जो प्रॉब्लम जो है वो क्या प्रॉब्लम होती है, ये देखिए ये हॉट पे कर रखा है मगर ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इसका क्या सबसे पहले क्या होता है, ये चीज देखिए ये प्रीसेट लगा होता है, इसको प्रीसेट को सेट कर सकते हो या घुमा सकते हो। ये देखिए इसको बंद कर दिया पूरा, अब ये प्रीसेट है देखिए ये इसको इसको घुमा के चेक करिए, ये देखिए यहाँ लाइट बंद हो जाएगी जब ये काम कर रहा है। बंद तो हुई है मगर नहीं, तो कहने का मतलब है कि ये प्रीसेट में दिक्कत लग रही है मेरे को। अभी क्या होता है कभी कभार क्या होता है ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, टेम्परेचर होता है ये इससे टेम्परेचर सेट करते हैं। कभी क्या होता है कि जैसे ये प्रीसेट है आपने 130 पर रखा है और टेम्परेचर जा रहा है 140, तो क्या करो इससे सेट कर सकते हो आप। जैसे आपने 130 पे रख दिया तो इस पर ऐसे सेट कर सकते हो आप, हल्का सा बैक करके चेक करके इसकी प्रीसेट। तो मैं इसमें जो है हमारा जो प्रीसेट ख़राब है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है प्रीसेट में। देखिए ये काम नहीं कर रहा आपका प्रीसेट, काम नहीं कर रहा प्रीसेट। तो हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू का प्रीसेट लेना आपने, सेम वैल्यू का प्रीसेट आए प्रीसेट लेना हमने। पहले तो ये निकाल देते हैं सारे, अब ये मदरबोर्ड निकालेंगे। ये निकाल दिए जी हमने, अब सबसे पहले क्या करेंगे इसको प्रीसेट को निकालेंगे हम, ये वाला प्रीसेट। इस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये प्रीसेट जो होता है ना, जैसे गर्म नहीं कर रही है मशीन, तो आप ये प्रीसेट ही चेंज कर दो, सेम वैल्यू का देख लेके आइए और सेट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं जो भी वैल्यू होगी, ये नहीं इस मशीन के अंदर ये वैल्यू लिखी 503 लिखो, ये नहीं कौन सा वैल्यू का होगा, जिस जो वैल्यू का लगा वही लगाना पड़ेगा आपको। अब सबसे पहले हम चलते हैं इसको निकालते हैं प्रीसेट को।
ये प्री शर्ट निकाल लिया हमने, तो हम देखते हैं। जरूरी नहीं है प्रीसेट खराब हो सकता है आपका, ये वॉल्यूम भी खराब होता है, टेम्परेचर जो सेट करते हैं वो भी खराब होता है, मगर हमें जो फॉल्ट मिला ये प्रीसेट का फॉल्ट मिला है, क्योंकि जब हम घुमा रहे थे उसको सेट कर रहे थे, जब हम सेट कर रहे थे इसको तो ये काम नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा। अगर सही होता तो ये वर्क करता है, काम करता है। ये आपका आ गया सेम वैल्यू का प्रीसेट आ गया। अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको, जैसा था वैसे ही लगा देना वापस। ये देखिए और थोड़ा सा, अगर मशीन जो है आपकी वर्क गर्म ना करे, हीट ना करे तो ये दिक्कत आती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर रही है तो भी यही दिक्कत आएगी, प्रीसेट की दिक्कत आती है। चलो हमने प्रीसेट तो लगा दिया है, अब देखते हैं इसका, यही दिक्कत है या कोई और दिक्कत है। हल्का सा इसको लगा लेते हैं, अब देखते हैं जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई नहीं हुई। देखिए रिवर्स चल रही है, सेंसर मिल रहा है, अब जो है हमारे हीटर काम करने चालू कर दिए हैं हीटरों ने, तो एक बार हम जो है ना इसको प्रीसेट को चेक करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं इसको। अब देखिए लाइट चली गई ना, ऑटोमेटिक लाइट चली गई है। अब ये नीचे दिखाना, देखिए जरा दिख रहे नीचे, ये हीटर लाल हो रहा, देखिए जो प्रॉब्लम थी ना, अब देखो हीटर चालू हो गया है। तो अभी देखते हैं ये कट कर रही है नहीं कर रही है मशीन आपकी, थोड़ा सा गर्म होने के बाद पता लग जाएगा कट कर रही है नहीं कर रही मशीन। गर्म तो हो रही है मशीन आपकी, मशीन गर्म हो रही है ये। अभी देखिए ये गर्म हो चुका है, वो चेक कर लेते हैं हम। ये आपका टेम्परेचर अभी हमारे पास, मैं
ये हमारा जो है माइक्रोन है 125 माइक्रोन का, 130 पे रखना है हमने ये। तो जैसे ये अभी लाइट बंद हो गई, जैसे इंडिकेटर आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट डालना है। रेडी की लाइट आ जाएगी ना जैसे ही, देखना 120 पे रखना आपको ये। पे रेडी की लाइट आ चुकी है हमारी, देखिए हरी लाइट जल चुकी है रेडी की। अभी मैं ये एक आधार कार्ड आपको लेमिनेशन करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखते हैं लेमिनेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले जो क्या दिक्कत थी इसमें, मशीन में दिक्कत थी, ये हीट नहीं कर रही थी, गर्म नहीं कर रही थी मशीन, गर्म इसलिए नहीं कर रही थी, इस मदरबोर्ड में दिक्कत थी। दिक्कत क्या होती है, प्रीसेट में दिक्कत होती है। ये प्रीसेट जो लगा होता है ना, देखिए ये प्रीसेट अगर ज़्यादा गर्म कर रहा है या गर्म नहीं कर रहा है तो आप ये प्रीसेट चेंज करवा दीजिए। प्रॉब्लम तो और बहुत बहुत सारी होती है। ये देखिए लेमिनेशन हो चुका है, ये एक बार फिर डाल देते हैं ऐसे। ये जो है हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। ये देखिए मशीन रेडी, ये देखिए क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ कैसे पता लगता है इसका। ये जैसे ये देखिए, ये आपका जो है ना ये वर्क, ये देखिए लाइट ऑन है रेडी की, मगर ये काम नहीं कर रहा, देखिए ये देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये प्रीसेट चेक करना है। चेक क्या करना, चेंज ही कर दो इस वैल्यू को, चेंज ही कर दो प्रीसेट को। प्रीसेट चेंज कर दिया, अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आपका ये वॉल्यूम जो होता है ना वॉल्यूम, इसको चेक कर लीजिए, चेंज कर दीजिए। बस दो तीन दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा है, ये प्रीसेट की दिक्कत है। अब क्या है कि वो कैसे चेक करते हैं कि ये हीट कर रही नहीं कर रही है। देखिए अभी हीट नहीं करेगी ये, क्योंकि रेडी की लाइट कंटिन्यू जल रही है। रेडी की लाइट जब भी जलती है पहले ये लाइट बंद हो जाती है, पावर ऑन करेंगे ये लाइट बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद जब रेडी होगी मतलब गर्म होगी तो धीरे 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 करके फिर रेडी पी इंडिकेटर आ जाएगा। तो मैं सपोज करिए, देखिए मैं अभी करता हूँ इसको, ये अभी लाइट बंद है तो जैसे ही देख बैक करूँगा ये आ गया, ये जैसे ही मैं ऑफ करूँगा बंद होगी, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी रेडी के, ये मतलब फिर मशीन आपकी ओके है। अगर कंटिन्यू ऐसे है लाइट जली जलती रह रही है, देखिए रेडी की लाइट और आप इसका थर्मोस्टेट को सेट कर रहे हैं तो ये नहीं होगा, टेम्परेचर आपका सेट ही नहीं होगा ये, तो मतलब ये आपका ये ख़राब है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है ख़राब होने की। उसके बाद क्या होता है कि 120 पे रख दिया मैंने। उसके बाद क्या है कि आपने पेपर लगाया, आपने पेपर लगाया तो मैं चेक करवाता हूँ एक बार। एक और सेटिंग होती है, जैसे आपका ये बार बार मोड़ रहा है, ये पेपर दबा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से सेट करना पड़ेगा। ये देखिए ये अगर ऐसे कोई लहर टाइप आ रही है इसमें, तो जैसे मैं डालता हूँ देखिए, तो हल्का सा लूज कर दीजिए, दोनों बराबर बराबर लूज करिए। अगर लग रहा है इस साइड से टाइट मतलब ऐसे दबा रहा तो उसको हल्का सा लूज कर दीजिए, इसको हल्का सा लूज कर दीजिए और उसको टाइट कर दीजिए। ये भी सेटिंग होती है मशीन की। ये अभी देखते हैं कहाँ मोड़ रहा है, क्या कर रहा है। नहीं अभी तो ओके लग रहा है मेरे को। ये देखिए लगे होते हैं ना, ये अगर ज़्यादा वो कर रहा है टाइट तो इसको लूज कर दीजिए हल्का हल्का बराबर, या एक साइड खींच रहा है आपका, इस साइड खींच रहा है, या जिस साइड भी खींच रहा है उस साइड लूज कर दीजिए आप इसको।
थोड़ा सा टाइट सा हल्का सा, तो इसको मैं थोड़ा लूज करता हूँ या इसको। अभी देखिए हमारी मशीन जो है एकदम ओके हो गई है। एक बार हम इसको फाइनल टच देंगे अभी मशीन को। ठीक है, अब इसको मैं जरा तो निकाल देता हूँ। और जैसे जैसे थे ये नेट लगे हुए थे वैसे मैं नेट लगा देता हूँ आपके। पहले जो मैं वीडियो बनाई थी मैंने आपको कैश काउंटिंग मशीन की वीडियो बनाई थी, तो कुछ भाइयों ने कहा था कि सर लेमिनेशन के ऊपर ही वीडियो बनाओ, वर्क नहीं करती है, कैसे कैसे क्या दिक्कत आती है मशीनों में। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, या आप टेम्परेचर सेट करा है 120 पे और डॉक्यूमेंट जला देती है, तो आपका क्या है सबसे पहले वो प्रीसेट चेंज कर दो आप, प्रीसेट में दिक्कत आ जाती है। जो मैंने दिखाया आपको ये वाला ये चीज़ होती है प्रीसेट, यही चेंज कर दो मशीन का, आपकी मशीन ओके हो जाएगी। वो अभी हमने फाइनल टच देते हैं मशीन को। ये देखिए एकदम फाइनल टच पे पहुंच गई मशीन। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। वर्क चल रही है, फर्क नहीं चल रही है, देख लेते हैं फिर चेक करके। अब लगता है मेरे को कुछ और प्रॉब्लम आ गई इसमें। अभी तो मशीन ओके थी, अब लगता है मेरे को इस वाले स्विच में भी दिक्कत आ गई है इसके। चलो अभी चेक कर देते हैं हम। अच्छा ये प्लग निकला हुआ है इसके अंदर से, वही मैं अभी तो मशीन ऑन हो रही थी, एक कनेक्टर लूज हो गया होगा इसका, निकल गया होगा बाहर। मशीन एक बार फिर खुली है तो मैं फिर बता देता हूं आपको। ये चीज ये होता है प्रीसेट, अगर हीट नहीं कर रही तो इसको चेंज कर दीजिए आप मशीन को, मशीन को नहीं सॉरी अपना प्रीसेट को चेंज कर दीजिए। उसके बाद क्या है, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ये आपका है वॉल्यूम लगा होता है, वॉल्यूम टाइप होता है इसको बोलते हैं आपको। ये देखिए वॉल्यूम टाइप का लगा हुआ है ये,
ये हीट टेम्परेचर जो है कंट्रोल करता है, इसको चेंज कर दीजिए या फिर ये स्विच चेक कर लीजिए। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है जो मैंने बताई आपको, हीट नहीं कर रही सर मशीन हमारी, हीट नहीं कर रही, क्या करें, या टेम्परेचर ज़्यादा दे रही है। टेम्परेचर ज़्यादा दे रही तो यहाँ से सेट कर दीजिए, इसको घुमा के सेट कर लीजिए। अभी मैं मशीन पे फाइनल टच पे कर देता हूँ इसको। ये देखिए फाइनल टच, अब क्या है कि एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये देखिए चालू हो गई है, अब पैक कर लेते हैं इसको। पैक क्या है मतलब नट लगा लेते हैं, फिर एक बार फिर चेक करेंगे इसको हम। लो जी ये आपकी मशीन है, एक बार लास्ट बार फाइनल टच कर लेते हैं। ओके, ये सारे स्विच ऑफ करेंगे, इससे चेक कर सकते हैं टेम्परेचर। ये देखिए हमने रखना टेम्परेचर इसका 120 पे, जब टेम्परेचर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये रेडी की लाइट आ जाएगी। लाइट आ गई, लाइट आ गई है रेडी की। अब मैं लेमिनेशन करके दिखाता हूँ आपको। चेक करते हैं, अभी लेमिनेशन हो रही है हमारा, ये पॉच जो है हमने डाला, लेमिनेशन हो रहा है, मशीन ही वर्क कर रही है सारी। ये देखिए हमारा रेडी फिर होगी लाइट। ये ऑटोमेटिक जैसे थर्मल कट होता है ना, जैसे प्रेस होती है, आपने सेट कर दी सिलिकॉन या उस पर सेट कर दी तो ऑटोमेटिक गर्म होगी फिर कट हो जाएगी, सेम मशीन का यही प्रोसीजर है इसका भी। अगर ऑटोमेटिक ज़्यादा टेम्परेचर चल जाएगा तो ऑटोमेटिक जला देगी इसको, आपके डॉक्यूमेंट को जला देगी ये मशीन। ये डॉक्यूमेंट बाहर आ गया है, देखिए एकदम रेडी हो गया ये डॉक्यूमेंट आपका। ये देखिए ये हमारी मशीन ओके हो गई है। और पहले जो मैं वीडियो बनाता था तो कैश काउंटिंग मशीनों की बनाता था, तो कुछ भाइयों का कमेंट आया कि सर आप जो वीडियो जो है लेमिनेशन मशीन के ऊपर बनाए, धन्यवाद।